1790 तक बिस्मार्क जर्मनी का मुखिया रहता है। 1890 के बाद वो वहां का मुखिया हट जाता है। उसके बाद विलियम कैसल सेकंड जो वहां का किंग है वो राजनीति को आगे लेकर के बढ़ता है और एक वार मांगर के रूप में ये पूरी की पूरी जैसे उसकी जो गतिशीलता जो डायनामिक्स है जर्मनी के गतिशीलता की डायनामिक्स वहां का कैपिटलिस्ट क्लास है। ये बात और बारीकी से आपको समझने की जरूरत है कि किसी देश का कैपिटलिस्ट क्लास उसके पॉलिटिशियंस को किस तरह से मिजाज बनवाता है, कैसे माइंड बनाता है। ये बात इतिहास का विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझ सकता है कि किसी भी देश के राजनीति को वहां की इकोनॉमिक्स तय करती है। यही बात आप हिस्ट्री से सीख पाएंगे। कई बार राजनीति भी इकोनॉमिक्स को तय करती है और कई बार इकोनॉमिक्स राजनीति को तय करती है। बहुत से मामलों में आप देखेंगे कि इकोनॉमिक जो डायनामिक्स है, इकोनॉमिक्स की जो गतिशीलता है वो पॉलिटिक्स को तय करती है। जर्मनी के लोगों का जो देश है वो लेट कमर्स टू कैपिटलिज्म है, बाद के पूंजीवाद को ज्वाइन करने वाले, लेट ज्वाइन करने वाले। जैसे वो लोग किस तरह से अपने देश को युद्ध की तरफ प्रेरित करने की करते हैं और उनके जो तमाम उस समय के अखबार है, उनकी मैगजीन्स है, उनका जो चिंतन है, उनके समाज का जो नवजागरण हो रहा है, उन सब का जब आप अध्ययन करेंगे तो ये जो प्रश्न आपने उठाया कि किसका दोष वास्तव में माना जाए, तो उसको एक परिस्थिति जिसे पारिस्थितिकी साक्ष्य है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए पारिस्थितिकी साक्ष्य के माध्यम से आप चाहे तो दो कैपिटलिज्म को दोषी कह सकते हैं। कैपिटलिज्म की डायनामिक्स ये थी कि इन लोगों को कॉन्फ्लिक्ट में आना था। अब जैसे आज विश्व में कैपिटलिज्म की डायनामिक्स को आप देखिए कि कैपिटलिज्म की डायनामिक्स अब यह समझदारी पैदा कर दी है कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने कि नहीं, हम लोगों को लड़ना नहीं है, अगर हम लड़ेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि अभी आर्मेनिया को लेकर के जिस तरह से रूस की सेनाएं 100,000 आर्मेनिया के बॉर्डर पर खड़ी है और अमेरिका का वार्निंग है कि अगर आप वहां पर अटैक करते हैं तो हमारी सेनाएं आ जाएं। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं लेकिन बता रहा हूं कि इस तरह के तनातनी के वातावरण में युद्ध नहीं हो पाएगा क्योंकि अमेरिका का नेता एक डेमोक्रेट है, ब्रिटेन ये रूस का भी नेता एक डेमोक्रेट है। यद्यपि यह है कि उसने डेमोक्रेसी के माध्यम से अपने आप को कई वर्षों तक वहां पर स्थापित किए हुए और आर्मेनिया में भी एक डेमोक्रेसी है, कमजोर देश है, तमाम पाइपलाइन रूस की तमाम जो जा रही है यूरोप को सप्लाई हो रही है उसके कमीशन से वो देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है? बहुत से लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध की संभावना तो नहीं है। अब यह परिप्रेक्ष्य छोड़ करके मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ आ रहा हूं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में जो एक जिसे कहते हैं रिस्ट्रेंट, एक कंट्रोल, ये रिस्ट्रेंट वगैरह उस समय उस तरह से नहीं लोग अपना पाते हैं। इवन सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी रिस्ट्रेंट नहीं अपना पाते। तो इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि इंडिविजुअल को जिम्मेदार देने के बजाय फोर्सेस को जिम्मेदार कर सकते। हिस्ट्री में फोर्सेस होती है, वो शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों में व्यक्ति लोग उसके अनुसार काम करते फोर्सेस। अब और इसमें अगर उदाहरण दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन जैसे अभी देखिए आप एग्रीकल्चर के जो कानून थे, आपके देश में एग्रीकल्चर के कानून आए, साल भर तक उसके आंदोलन चले। एग्रीकल्चर के कानून एक खास वर्ग के लोगों ने केंद्र की सरकार को प्रेरित किया कि भाई ये कानून आप लाइए और एक खास वर्ग के लोगों ने कहा कि नहीं ये कानून नहीं लगना चाहिए। अब उसमें एक समझदारी आई, ऐसे समझदारी के वातावरण में वो विड्रॉ किए गए। लेकिन यही समझदारी आपके देश में 1975 में नहीं आती। 1975 में जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगाती है तो इंदिरा गांधी को यह कि भाई हम हार गए इलेक्शन, हमारा हाईकोर्ट ने इलेक्शन खत्म कर दिया है 12 जून 1975 को, हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देने के बजाय वो डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़ गई, बात उन्होंने अपने इमरजेंसी को वापस किया। तो ये सभी परिस्थितियां जो है वह कई जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मैंने एक तो होता फैक्टर, एक होता वेरिएबल। वेरिएबल कहते हैं वो सभी कारक
जो बहुत अलग अलग ढंग से असर डालते हैं। और फैक्टर वही वेरिएबल का जो फिक्स रूप है वो फैक्टर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के विचार करने में आप कह सकते हैं कि जो 1870 ऑनवर्ड्स या इवन और पहले से आप चलिए फ्रांस की क्रांति से भी जोड़िए, फ्रांस की क्रांति ने किस तरह से यूरोप को जन्म दिया, एक नए प्रकार का यूरोप आता है। और कैसे यूरोप में 1815 से लेकर के 1848 के बीच में पूरा प्रयास होता है मेटरनिक की तरफ से, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है, कि पूरा यूरोप को 1789 के पहले तक की ले आ जाए, या जो नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप को बदल दिया था उससे बदला जाए। लेकिन फोर्सेस ऐसी खड़ी हुई, इतिहासकार कहते हैं मिडिल क्लास का राइज। ये मिडिल क्लास जो बुर्जुआ क्लास है, विभिन्न देशों में बुर्जुआजी का राइज, मिडिल क्लास का राइज उस देश का मिजाज कैसे बनाता, और उस देश का मिजाज, उसका टेम्परामेंट, और फिर उसके आधार पर उसकी जो लीडरशिप है पॉलिटिकल, वो लीडरशिप किस तरह से जो डोमिनेंट मिडिल क्लास है उस मिडिल क्लास की बात को रखने के लिए मजबूर होती है वो पॉलिटिकल लीडरशिप। तो इस तरह से अगर आप परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखेंगे तो आप कह सकते हैं कि वो फोर्सेस जो कैपिटलिज्म के इमरजेंस से विभिन्न देशों में उत्पन्न हो रही थी, सोशल फोर्सेस, खासतौर से विभिन्न कैरेक्टर का मिडिल क्लास का राइज होना, ये मिडिल क्लास का राइज ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, जो एकोमोडेट नहीं कर सकता है, जो इस बात को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा कि भाई हमको भी कॉलोनी चाहिए, हमको भी अपने व्यापार करने के लिए, हमको बढ़ने के लिए चाहिए। अब आज पूरे विश्व में उस समय की 1945 तक के समय का जो कॉलोनियलिज्म है उसकी अब जरूरत नहीं है, तमाम प्रकार के बहुत से परिवर्तन आ गए। तमाम जो 1998 का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वगैरह आया है, इन सबके परिप्रेक्ष्य का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे एकदम नए विश्व का निर्माण हो गया है। तो उस पर अलग से चर्चा हम कभी कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से आप अगर किसी को दोषी देना चाहेंगे कि नहीं हम इनको दोष देंगे, तो ऐसे करके आप चाहे तो ये कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म ने और खासतौर से टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन लीडिंग टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विच बिगैन फर्स्ट इन इंग्लैंड और ब्रिटेन दैट लेड टू द अनलीजिंग ऑफ सर्टेन फोर्सेस एंड दैट फोर्सेस द डायनामिक्स ऑफ दोज फोर्सेस वेयर टू लीड द वर्ल्ड टू वर्ल्ड वॉर। जो फोर्सेस खड़ी होती है, जो विश्व युद्ध में जो ताकतें खड़ी होती है हर समाज में, हर समाज में ताकतें माने हर समाज का जो वर्गीय संरचना, जो क्लास स्ट्रक्चर इमर्ज करता है, अगर आप क्लास स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से समाज का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि यह समाज किस प्रकार के क्लास स्ट्रक्चर का है और उसमें से जो डोमिनेंट क्लास है वो क्या चाह रहा है। तो ये बात को ध्यान में रखने से एक कहते हैं इसको कि आप एक सोशल और हिस्टोरिकल एनालिसिस की इस प्रकार की मेथोडोलॉजी को लेकर के चलेंगे तो आप फोर्सेस को जिम्मेदार बताएंगे। ठीक है, एक छोटा सा डाउट है सर, अगर हम फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो प्रथम विश्व युद्ध के लिए कहाँ पे जिम्मेदार है सर? फ्रांस को, फ्रांस जो है वो सेकेंड स्टेज का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, फर्स्ट स्टेज का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में है, सेकेंड स्टेज का फ्रांस। आप देखें कि फ्रांस में जो कॉमर्शियल रिवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले कॉमर्शियल रिवोल्यूशन, कौन कौन से देश विश्व के कॉमर्शियल रिवोल्यूशन करते हैं, कॉमर्शियल रिवोल्यूशन कहते हैं वाणिज्यिक क्रांति का, विश्व में बाजार के लिए कंपनियों का बनाना, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का बनना और वो कंपनी पूरे विश्व में जाकर के बाजार खोजने की कोशिश करे। अब फ्रांस को इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए ऐसे जिम्मेदार न मानिए, इंग्लैंड को भी, भाई इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होती है लेकिन वहीं पर कंसंट्रेट नहीं कर जाती, वही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसे हॉलैंड वगैरह में आती है और वही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन धीरे धीरे परकोलेट करके आपके इंडिया में भी एक खास किस्म के मॉडर्न इंडस्ट्रीज, जहां इंग्लैंड में 1790 से मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप होती है, इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज 1856 के बाद से डेवलप होती है, 1856 के बाद से मॉडर्न इंडस्ट्रीज सूत के क्षेत्र में और कपास के क्षेत्र में और क्या कहते हैं आपके पटसन वगैरह की जो इंडस्ट्रीज होती है, वो
कहने का मतलब कि 100 वर्ष जो है जैसे आपका देश इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए लेट होता है, तो जो देश पहले इंडस्ट्रियलाइज हुए, आपने कहा फ्रांस कहां तक भी लगा, फ्रांस का जो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर है, फ्रांस में खास किस्म के अंगूर वगैरह की खेती होती है, फ्रांस में खास किस्म के भेड़ वगैरह के माध्यम से मेन वगैरह का काम होता है, वो सब के वहां की जनता फ्यूडलिज्म को तोड़ करके, सामंती व्यवस्था को तोड़ करके वहां की जनता एक खास किस्म से कॉमर्स में इन्वॉल्व। आप देखेंगे कि जिस देश के लोग कॉमर्स में जितना अधिक इन्वॉल्व होंगे वो देश उतना ही अधिक प्रगत किया है, या इवन समाज में भी आप एनालिसिस करेंगे कि समाज के किस वर्ग के लोग कॉमर्स में, वाणिज्य में, व्यापार में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे भारत के समाज में देखिए, भारत के समाज में अगर पावर स्ट्रक्चर के आधार पर पूरे भारत के समाज का पावर स्ट्रक्चर का चित्र बनाएं और पावर स्ट्रक्चर में पावर को डिफाइन करें कि पावर माने होता है वो कैपेसिटी या बाजार में अपने मन मुताबिक काम कितना कर सकते हैं, ये पावर की एक डिफिनेशन होती है। पावर इज द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द मार्केट, इफ दिस इज द डिफिनेशन ऑफ पावर। देन मैं आपको इंडियन सोसाइटी का एग्जांपल दे रहा हूं, इंडियन सोसाइटी में पावरफुल कौन है? इंडियन सोसाइटी में पावरफुल उस क्लास के लोग हैं जो बाजार को नियंत्रण कर सकते हैं या बाजार पर अपना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या इसको दूसरे ढंग से देखिए, कंजम्पशन लेवल आप देखिए, किन लोगों का कंजम्पशन लेवल सबसे अधिक है, किनका कंजम्पशन एकदम कम है, कौन लोग भारत में पावर्टी लाइन के नीचे हैं, जिनका कंजम्पशन इतना कम है कि सरकार को उनको मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य से मैं बताऊंगा कि फ्रांस का समाज जो भारत के समाज की तुलना में जनसंख्या से बहुत कम है। अब आप 1947 में जर्मनी के समाज और आपके फ्रांस के समाज की तुलना भारत के समाज से करें तो भारत में 39 करोड़ लोग हैं, जर्मनी जहां फांसीवाद आ रहा है वहां 4 करोड़ है, 5 करोड़ लोग है, फ्रांस में भी इतनी जनसंख्या है, और इतनी जनसंख्या के लोग एक कॉमर्शियल मेंटेलिटी आकर के किस तरह से वो पूरे विश्व को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि आपका प्रश्न ये था कि कैसे फ्रांस के लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब जैसे आप कहें कि भारत में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए ब्रिटेन कैसे जिम्मेदार, तो जिम्मेदार है क्षेत्र से जो 1870 में युद्ध हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच में। सर मैं उस चीज को समझना चाह रही थी कि वहां से लेके प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस कहां तक जिम्मेदार है। सर अल्सेस और लॉरेन के क्षेत्र से जो सर शत्रुता इन दोनों देशों के बीच में फैली थी। हाँ, तो अब अल्सेस लॉरेन नामक क्षेत्र को जब छीन लिया गया तो फ्रांस का भी एक बड़ा वुंडेड नेशन, एक वुंडेड सिविलाइजेशन, वुंडेड माने होता है चोट लगा, एक बहुत चोटिल सभ्यता फ्रांस की हुई, और फ्रांस के लोगों को बड़ा गर्व था और आज भी बड़ा गर्व होता है। एक फ्रांसीसी से बात करिए आप तो कहेगा कि पूरे यूरोप का फैशन हम तय करते हैं पेरिस से, इतना अधिक पूरे यूरोप के लोग भी पेरिस को इतना महत्व देते थे कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और आप जानिए कि जितने भी राजाओं के लड़के लड़कियां होते थे वो सब पढ़ने के लिए पेरिस में आते, और पेरिस पूरे यूरोप का फैशन सप्लायर था। जैसे बंबई में कोई कपड़ा पहन ले, कोई गाना आ जाए तो पूरे इंडिया में वो कपड़ा और गाना फैल जाए। एक बात कह रहे हैं, भारत में और भी कई सेंटर्स है फैशन के, लेकिन जैसे बंबई है पूरे भारतीय महाद्वीप का, मद्रास है या कलकत्ता है, वैसे ही पूरे यूरोप का फैशन सप्लायर पेरिस हुआ करता। पेरिस का ही लुई 14वां ने शीश महल बनाया था, जिसने कहा आई एम द स्टेट में राज्य। और इस तरह से पेरिस के लोग एक इतने गर्व से थे, जैसा मैंने पहले क्लास में बताया कि फ्रांस की क्रांति होने के बाद और खास तौर से फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन के अभ्युदय के बाद, इतिहासकार ये बात कहते हैं कि पूरे यूरोप का इतिहास एक देश, एक घटना और एक व्यक्ति का इतिहास हो जाता है। वो देश था फ्रांस, वो व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट, और वो घटना थी फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस के लोग बहुत ही गौरव, जिसे कहते हैं किसी देश में गौरव का मेजरमेंट करिए और किसी देश के किस वर्ग में सबसे अधिक गौरव का भाव, तो फ्रांस के लोग एक गौरव से युक्त थे। और उनके
जैसे कहा गया इतिहास में कि माँ की गोद में जो बच्चे दूध पी रहे हों उनको जो है बिस्मार्क ने छीन लिया, एल्सस और लोरेन। तो इसको छीनने में आप ये परिस्थिति जन्य ढंग से आप इसको कह सकते हैं, ये जो परिस्थिति जन्य बातें थी ये फर्स्ट वर्ल्ड वार या आने वाले समय में युद्ध होती, फ्रांस के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते, और खासतौर से नेपोलियन बोनापार्ट जो नेपोलियन थर्ड जिसे कहते हैं, जो नेपोलियन का भतीजा था, जिस तरह से वो हारता है सिडान के मैदान में, जिस तरह से उसकी सेनाएं 90,000 की सेनाएं बिस्मार्क की सेना के सामने सरेंडर करती है, और पूरे बिस्मार्क के सैनिक जर्मनी के इतिहासकार इसको ये सब लैंग्वेज यूज करते हैं कि वर्साई के संधि में जाकर, वर्साई के महल में जाकर, जो शीश महल तो इंटरनेट पर आप देखिएगा, उस शीश महल में फ्रांस के सीने पर पैर रख करके जर्मनी का एकीकरण होता है, और जर्मनी का एकीकरण फ्रांस के पद्धरन ह्यूमिलिएशन डिमोरलाइजेशन का रिजल्ट था। तो फ्रांस में एक ऐसी बदला लेने की ऊर्जा थी कि नहीं हमें बदला लेना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से गुप्त अलायंसेस कायम होते हैं, सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट अलायंसेस, डॉयल अलायंस, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल आंता है, कैसे ताकते जो है फ्रांस किस तरह से जर्मनी को आइसोलेट करना चाहता है, जर्मनी कैसे फ्रांस को आइसोलेट करना चाहता है, ये सभी परिस्थितियां जो है वहां उत्पन्न होती। तो आप फ्रांस को जिम्मेदार क्या मानेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए? आप कहेंगे कि वो एक जिसे कहते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति थी जिस परिस्थिति में फ्रांस को अगर वो पराजित नहीं करता तो वो यूनाइट नहीं होने देता। आपने देखा होगा कि नेपोलियन ने किस तरह से 300 छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक जर्मनी का ढीला ढाला संघ बनाया था 30 राज्यों का, जिसका नेता जो था वो प्रशा था, और फिर प्रशा के तमाम जो फ्रैंकफर्ट वगैरह में तमाम सम्मेलन सभाएं होती थी उसमें वहां के नेता ने कहा बिस्मार्क ने कि प्रस्ताव पारित करने से कोई देश का एकीकरण नहीं हो सकता है, इसके लिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चाहिए, ब्लड एंड आयरन। तो आपका जो प्रश्न है कि कितना जिम्मेदार है, जिम्मेदार ऐसे एक परिस्थिति जन ढंग से आप देख सकते हैं कि किसी देश का कोई इलाका छीन लिया गया है और उस इलाकों को लेने के लिए वहां के तमाम नौजवान जो है पागल हो जाएं, और किसी एक खास मिशन में अगर उनको एकजुट किया जाए तो उसके लिए संगठित हों। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह परिस्थिति जन ढंग से एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में ये लोग युद्ध के लिए आगे बढ़े। जी थैंक यू सर। मेरा डाउट है, बताइए निखिल सर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साई की संधि से लीग ऑफ नेशंस का गठन किया जाता है, उसमें 14 सूत्री मांग वुड्रो विल्सन देते हैं, बट अमेरिका उसमें ज्वाइन नहीं होता है, ऐसा क्यों? वुड्रो विल्सन जब अमेरिका में जाते हैं तो कोई भी, जब उनका राष्ट्रपति विदेश में जाकर के किसी भी प्रकार की घोषणा करता है, किसी प्रकार के संस्था में भाग लेता है, तो उसको वहां की कांग्रेस को, जो वहां का हाउस, जो उनके मेंबर पार्लियामेंट है, उनका जो अपर हाउस है, लोअर हाउस है, उसको अप्रूव करना होता है। तो अमेरिका में उसको अप्रूव नहीं किया गया, अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो अप्रूव नहीं किए, और नहीं किए तो अमेरिका जो है फिर यूएसए लीग ऑफ नेशंस का सदस्य नहीं करता। ठीक है, अब क्यों अप्रूव नहीं किए, उनके पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या थे, वहां शुरू से डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियां वहां पावर में थी, तो इस तरह से वहां का जो कांग्रेस है उस कांग्रेस में वुड्रो विल्सन को अप्रूवल नहीं दिया। उनका 14 सूत्री जो नेशनलिज्म का प्रोग्राम था वो भले ही अप्रूवल न मिला, लेकिन पूरे विश्व के लिए वो एक बड़ा मानक प्रोग्राम है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, वहीं से नेशनलिज्म के सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि हर राज्य को, हर राज्य की जगह कह जाए हर लोग को, हर पीपुल को ये अधिकार है कि वह अपना आत्मनिर्णय करे। विश्व में जितनी भी राष्ट्रीयताएं हो सकती है वो सभी राष्ट्रीयताएं अपने आप को घोषित करके कह सकती है कि हम एक राष्ट्रीयता है और हमारा एक अलग राज्य होना चाहिए। अब आप चाहे तो इसमें एक संदर्भ और इतिहासकार चर्चा करते हैं कि वुड्रो विल्सन का 14 सूत्री प्रोग्राम और लेनिन का काम मार्क्स से जुड़ करके
वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट में नेशनलिज्म को थोड़ा बैकग्राउंड में रखा गया कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, और खासतौर से सोवियत यूनियन के असर से जो विश्व के इंटरनेशनल वगैरह लेबर के इंटरनेशनल और वर्कर्स के इंटरनेशनल बनते हैं। बस मैंने एक संदर्भ आपको याद दिलाया कि ये एक खास रूप से पूरे विश्व में फोर्सेस के रूप में, जहां एक तरफ नेशनलिज्म फोर्स के रूप में खड़ा होता है, वही एक दूसरी तरफ एक फोर्स के रूप में ही कम्युनिज्म से पूरे विश्व के मजदूरों को एकजुट करने का प्रयास किया जाता है। तो आपका जो प्रश्न है कि लीग ऑफ नेशंस में अमेरिका नहीं ज्वाइन किया, वहां के जो पॉलिटिकल डायमेंशन थे उसमें वुड्रो विल्सन अल्पमत में आ गए, उनको सपोर्ट किया। जी सर, बताइए नाम बताइए अपना। सर सांभवी सिंह नाम है मेरा। हाँ बताइए। सर मेरा प्रश्न रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, 1917 के दो प्रश्न है। सर पहला कि ये जो रशियन रेवोल्यूशन था इसका क्या कोई भी इम्पैक्ट या फिर इसने कोई भी रोल प्ले किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म करने में? और दूसरा सर ये है कि हम देखते हैं कि ये रशियन रेवोल्यूशन के जो आइडियाज थे इसका इम्पैक्ट ग्लोबली हुआ था, चाइना इन्हीं आइडियाज को इन्वाइट करते हुए आज वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। तो सर क्या रशियन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट किसी भी तरह इंडिया के नेशनल मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर पाया था? एक तो रशियन रिवॉल्यूशन होने से जो जर्मनी के साथ जो उसका इक्वेशन था, वो जर्मनी के साथ इक्वेशन के कारण जर्मनी के दोस्तों की संख्या में रशा समाप्त हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के वीकनेस के लिए आप देख सकते हैं रशियन रिवॉल्यूशन को भी जिम्मेदार मान सकते हैं। पोस्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के लिए वहां पर जो रिवॉल्यूशन होती है इसको आप जिम्मेदार मान सकते हैं। एक तो ये उत्तर हुआ। दूसरा उत्तर ये कि क्या ये जो रशियन रिवॉल्यूशन है क्या वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित करता है? हम आपको बताएं कि रशियन रिवॉल्यूशन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत अधिक प्रभावित करता है, लेकिन उतना अधिक नहीं प्रभावित करता जितना और भी फोर्सेस करती है। जैसे भारत में खुद 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, वो कम्युनिस्ट पार्टी जो कि एक तरह से बैन होती है उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट बैन करती है, और वो इस तरह से 1934 में एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, उसके माध्यम से जो ENS नबूदरी पाद का नाम सुना होगा, वो उसके जनरल सेक्रेटरी नियुक्त होते हैं, उसमें जयप्रकाश नारायण वगैरह भी रहते हैं। तो एक सोशलिस्ट आइडियाज और कम्युनिस्ट आइडियाज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौर में भी दिखाई देती है। भारत का पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो तमाम रिजोल्यूशंस हैं, उन सभी रिजोल्यूशंस में खासतौर से 1931 का कराची कांग्रेस का जो रिजोल्यूशन होता है उसमें राइट टू वर्क और फंडामेंटल राइट्स, लोगों के काम करने का अधिकार, इन सब बातों को इंक्लूड किया जाता है। और इसी के साथ जो हिंदुस्तान आजाद होता है उस हिंदुस्तान के आजादी के साथ जो प्लानिंग कमेटी और प्लानिंग कमीशन वगैरह आता है वो सब रशियन रिवॉल्यूशन और खासतौर से लेनिन और स्टालिन जो प्लानिंग के माध्यम से अपने देश को डेवलप करना चाहते हैं उसका प्रभाव दिखाई देता है। और जहां तक आपने चाइना का संदर्भ लिया, चाइना में भी रशियन रिवॉल्यूशन से प्रभावित होकर के वहां पर क्रांति होती है, और इसी के साथ विश्व के बहुत से देशों में क्रांति तो नहीं कहते हैं, जैसे वारसा पैक्ट कंट्री जिन्हें कहते हैं 1956 के वारसा संधि के अंतर्गत के जो देश होते हैं वो सभी देशों में फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो तीन विनर थे, तीन या चार विनर थे, रूस था, फ्रांस था, ब्रिटेन था और अमेरिका था, इन सभी लोगों ने यह तय किया था, स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस तय कर दिया कि जो ईस्टर्न यूरोप के देश हैं वहां पर रशिया का इन्फ्लुएंस रहेगा सोवियत यूनियन का, और वहां पर डेमोक्रेसी के माध्यम से इन सभी इलाकों में गवर्नमेंट बनाई जाएगी। परंतु चूंकि सोवियत यूनियन और अमेरिका एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद, तो उन लोगों ने सोवियत यूनियन को महत्व दिया और सोवियत यूनियन ने इन सभी इलाकों में जो वारसा पैक्ट कंट्री के इलाके हैं जैसे पोलैंड हुआ, चेकोस्लोवाकिया हुआ, हंगरी हुआ, रोमानिया हुआ, ये सब जो तमाम देश हैं
उन सभी देशों में एक कम्युनिस्ट इंजीनियर गवर्नमेंट फॉर्म होती है, पपेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो इस तरह से आप रशियन रिवॉल्यूशन का असर वो सब पपेट गवर्नमेंट में देख सकते हैं। पपेट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो मॉस्को जैसा चाहता था वैसा ही वहां पर होता था। परंतु चाइना का जो क्रांति था वो चाइना की क्रांति को आप एक अलग ढंग से देख सकते हैं। चाइना का एक नेचुरल लीडर जो माओजेदांग था, माओसेतुंग, कैसे वो बड़ी लंबी लड़ाइयां लॉन्ग मार्च के बारे में आप पढ़ा होगा या पढ़िए, लॉन्ग मार्च के माध्यम से खुद जो कल की क्लास में मैंने बताया कि किस तरह से वहां की जो नेशनलिस्ट फोर्स थी, जो कोमिंतांग की फोर्स थी, चियांग काई शेक की जो फोर्स थी, उन फोर्स से पहले संघर्ष होता है। और इस संघर्ष में जब खासतौर से जापान के लोग चाइना पर अटैक करते हैं तब वो किस तरह से मिल करके माओसेतुंग की फोर्स सफल होती है जापान को रिपल्स करने में। और जापान जब रिपल होता है तो वो परिस्थितियां भी आपको जानना चाहिए कि कैसे अमेरिका जो है वो चियांग काई शेक के साथ रहता है। और आपको ये पता होगा कि लंबे समय तक जो फॉर्मोसा है, जो आज फॉर्मोसा में जो चाइना की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आज भी है, बहुत लंबे समय तक 1949 से 1973 तक वही मेन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंट करता था मेन चाइना को। 1973 के बाद जब वहां का राष्ट्रपति निक्सन और वहां का एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसिंजर, ये दोनों रात में चुपचाप जाकर के माओसेतुंग से मिलते हैं और माओसेतुंग से दोस्ती करते हैं। इसकी एक अलग कहानी है जिसको मैं अलग से डिटेल बताऊंगा कि कैसे बड़े चोरी से रात 12 बजे पाकिस्तान से हवाई जहाज निक्सन का और किसिंजर का पहुंचता है। और माओ जहां अपने लाइब्रेरी में, माओ रहते थे उस लाइब्रेरी में, प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठाया गया, न तो हेड ऑफ द स्टेट का कोई सम्मान किया गया बीजिंग पर उतरने पर। तो ये बड़ी यूनिक घटना थी और उसके माध्यम से फिर जो वर्तमान चीन है उसको एक परमानेंट मेंबर जो है सिक्योरिटी काउंसिल का बनाया गया। बहरहाल ये सभी परिस्थितियों को आपको थोड़ा अलग अलग ढंग से जानना पड़ेगा कि कम्युनिज्म का प्रभाव विश्व के देशों में कहां कहां पड़ा। आज आप चाइना को ये नहीं कह सकते हैं कि चाइना, आज का जो चाइना है वो कम्युनिज्म के इकोनॉमिक पॉलिसी से आगे आया। जैसा मैंने पहले की क्लास में भी बताया था कि चाइना के राइज के पीछे 1980 में डेंग शियाओपिंग, जो माओ का ही शिष्य था लेकिन माओ से अलग रास्ते पर अपनाया, उसको कई बार लोगों ने, कम्युनिस्टों ने उस समय आलोचना भी किया था, एक कैपिटलिस्ट रूलर है। कैपिटलिस्ट रूलर माने कैपिटलिज्म के रास्ते पर गया, जहां भारत एक खास किस्म के पूंजीवाद को, प्राइवेटाइजेशन को, लिबरलाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन को 1991 में अपनाता है, उसकी तुलना में खास तौर से आप देखेंगे कि चाइना भारत से लगभग 10 वर्ष पहले उस रास्ते को अपनाता है, भारत से 10 वर्ष आगे जाकर के वो पूंजीवाद के रास्ते बढ़ता है। लेकिन चाइना का पूंजीवाद में एक बहुत विशेष बात है, अमेरिका और ब्रिटेन के पूंजीवाद में, फ्रांस के पूंजीवाद में, भारत के पूंजीवाद में और इवन रूस के पूंजीवाद में आप देखेंगे कि चाइना के पूंजीवाद में उन लोगों ने बड़े ही, जिसे कहा जाए एक विशेष किस्म का जीनियस लगाया कि वहां डिक्टेटरशिप भी है। आज वहां कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप है, कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई पोलिटिकल पार्टी वहां नहीं, लेकिन उस कम्युनिस्ट पार्टी के डिक्टेटरशिप के अंतर्गत वो पूरी के पूरी अपनी मार्केट को, ग्लोबल मार्केट को खोले हुए। आप आइए हमारे देश में बाजार करिए, व्यापार करिए, मल्टीनेशनल कंपनी आप हमारे यहाँ आइए, आप व्यापार करिए हमारे देश से, हमारी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में भी व्यापार करेंगे और आपके देश में भी जाएंगे। तो चूंकि चाइना में एक खास किस्म के कम्युनिज्म का स्टेट स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्टेट स्ट्रक्चर है जो किसी प्रकार के विरोध को नहीं सहता है। अब जैसे भारत से तुलना करिए, भारत में तो जिस तरह से किसान आंदोलन चला साल भर, ये चाइना में नहीं हो सकता। चाइना में उतने लोग मार दिए गए होते, बहुत से लोग, उनकी क्योंकि डिक्टेटरशिप उनकी है। अब ये कितने दिन तक चाइना में चलेगा, आने वाले समय कब तक रहेगा, ये सब तमाम समाज वैज्ञानिक और इतिहासकारों को विचार करना है। लेकिन आपको ये बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि चाइना का जो कैपिटलिज्म है और कम्युनिज्म है, उसका एक विशेष किस्म का मैरिज हुआ है। और उस मैरिज में आज चाइना की स्थिति है कि विश्व की सबसे टॉप इकॉनमी
जो अमेरिका की इकोनॉमी है उससे एकदम सेकंड नंबर पर आ गया, और बहुत से मामलों में भारत भी अपने इसी रास्ते थर्ड नंबर पर है। जैसा कि मैंने पहले के इतिहास में बताया था या चर्चा किया था, आज बताऊंगा कि यूनिकॉर्न एक शब्द आता है। यूनिकॉर्न कहते हैं उस स्टार्टअप को जिस स्टार्टअप मैंने कोई नया बिजनेस करना, उस स्टार्टअप को जिसमें $1 बिलियन लगा, $1 बिलियन लगा, $1000 बिलियन लगा करके अगर यूनिकॉर्न बनाए जा रहे हैं, ऐसी कंपनियां बनाई जा रही हैं, तो सबसे अधिक $1000 बिलियन की कंपनी जो है वो अमेरिका में है, उसके बाद सेकंड नंबर चाइना में है, थर्ड नंबर इंडिया में। इंडिया भी उसी तरह से बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप इंडिया और चाइना के व्यापार के बारे में बातचीत करेंगे तो आज भी इंडिया का जो सामान का सप्लाई चाइना का होता है और चाइना की सप्लाई जो इंडिया को हो रही है, आज भी चाइना का 30% सामान अधिक इंडिया को सप्लाई हो रहा है। और अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध नहीं हुआ होता, भारत के लोग बहुत होशियार नहीं होते, अलीबाबा से लेकर के तमाम प्रकार के जो गतिविधियां भारत में चल रही थी, पूरा का पूरा भारत की अर्थव्यवस्था जैसे चाइना की अर्थव्यवस्था गुलाम बनाई जा रही थी, और भारत के व्यापारी लोग भी उनको बड़ा सूट करता था कि चाइना से बहुत सस्ते से सामान ला करके भारत के मार्केट को फ्लड कर दिया जाए। आज भी भारत के मार्केट में बहुत अधिक चाइना का सामान फ्लड किया हुआ है और चाइना का सामान बिक रहा है। तो महाराज आपका जो प्रश्न था, उस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में हमने ये बातें आपको बताया कि कम्युनिज्म का पूरे विश्व में कैसे कैसे है। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमें लगता है सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मुसोलिनी और हिटलर ने इन्होंने एक्सट्रीम नेशनलिज्म का नारा देकर लोगों को एकजुट किया था कि हम जो हमारे साथ बेइज्जती हुई है उसका हम बदला लेंगे, तो सर इनका मेन ये नहीं था, बल्कि उनका मेन एम ये था क्या कि वो लोग बस केवल, जैसे आप बोले थे कि ये लोग लेक का मरते कैपिटलिज्म में, तो ये लोग बस ज्यादा ज्यादा रिसोर्सेज को कैप्चर करना चाहते थे, और इन्होंने बस माध्यम बनाया था कि हमारा बेइज्जती हुआ, आइए चलिए बदला लिया जाए। सही बात है कि वो उनका जो कैपिटलिस्ट क्लास था, वो लेट कमर्स को कैपिटलिज्म था, तो उसने कल्चर को यूज किया, कल्चर को, लोगों के चोट को, लोगों के दुख को यूज करके एक खास किस्म के नेशनलिज्म, फासीवादी या नाजीवादी नेशनलिज्म को डेवलप किया। आपके देश में आपको चोट लगी तो उससे आपने कैसा व्यवहार किया, क्या आपने एक ऐसे नेता को चुन लिया जो नेता आप चुन लेने के बाद तय करेगा कि आप कैसा कपड़ा पहनेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे चलेंगे। ये जो एक आप अपने को सरेंडर कर देते हैं एक नेता के आगे, और वो नेता उस सरेंडर का महत्व ना करके आपके ऊपर वो तमाम बातें इम्पोज करता है, आपका पूरा बायोडाटा बनाना, आपकी कुंडली बनाना, आप कहाँ बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी पूरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित कर देना, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, वो सब छीन लिया जाए। अगर ऐसा करके कोई नेता अगर आपके देश में उपस्थित हो, जैसा कि आपके यहां हो नहीं सकता, तो उसको आप कहेंगे कि वो वहां की जो फोर्सेस है, अब किसी भी देश का अध्ययन करने के लिए वहां के फोर्सेस का मतलब क्लास स्ट्रक्चर का, वर्गीय संरचना का, कि सबसे धनी पूंजीपति क्या सोच रहे हैं, उसके बाद के वर्ग के पूरे समाज को 7-8 टुकड़ों में बांटिए और विभिन्न वर्ग के लोगों के चिंतन को देखिए, किसका चिंतन डोमिनेट कर रहा है वहां के राज्य के ऊपर, वहां के पॉलिटिशियंस के ऊपर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो लेट कमर्स टू कैपिटलिज्म थे और उसके जो डोमिनेंट जो कैपिटलिस्ट क्लास थे, उन लोगों का वर्ल्ड व्यू था कि पूरे विश्व को कब्जा कर लेना है, अपने नौजवानों को कुछ इस तरह से नशा कर देना है कि हमें पूरे विश्व को कब्जा करने के लिए आप नौजवान तैयार होइए, और नौजवान सेना में भर्ती हो रहे हैं। अब आप समझिए कि इतना बड़ा जर्मन नेशनलिज्म था कि जर्मन की तमाम लड़कियों ने यहां तक कहा कि हम हमारे देश के लिए, आप हमें, अगर आपके देश में तेल की सप्लाई नहीं आ रही है तो आप चाहे, हमें कहने में अच्छा नहीं लग रहा है कि जर्मन लड़कियों ने कहा कि हमें अरब वर्ल्ड में भेज दीजिए और वहां से जो तेल है आपके यहाँ सप्लाई हो सके। तो इस तरह से आप अपने देश के लिए इतना अधिक कुर्बान हो जाइए कि आपका अपना कोई व्यक्तिगत, आपकी कोई वो छवि ही ना रह जाए, आपकी कोई व्यक्तिगत वजूद ना रह जाए, आप एक चलती फिरती लाश की तरह से अपने देश के लिए समर्पित हो जाए, इस तरह से आप हिप्नोटाइज हो जाए।
ये हिप्नोटिज्म हर व्यक्ति के मन में आ जाए, तो इसी हिप्नोटिज्म को कहते हैं कि ये एक फासीवादी या नाजीवादी नेशनलिज्म है। कोई एक जर्मन जासूस पकड़ लिया गया तो ब्रिटेन के लोगों के सामने वो खोल ही नहीं रहा था कि वो जासूस है, उसको खुलवाने के लिए तमाम कहानियां हैं कि उन लोगों ने हिटलर के ऊपर गोली चलाई, हिटलर के फोटो के ऊपर। जैसे हिटलर के फोटो पर गोली चली, वो जर्मन नेशनलिस्ट जो था, जो जासूस था, वो तुरंत प्रकट कर दिया कि भाई बहुत बुरा माना उसे। तो कहने का तात्पर्य कि इतना अधिक नशा आपको किसी एक नेता के प्रति आ जाए कि नेता की फोटो पर भी अगर गोली चलाई जाए तो आपको बुरा लग जाए। तो ये एक खास किस्म का फासीवादी और नाजीवादी राष्ट्रवाद। जी मैं सोचता हूँ कि समय हो गया आप लोगों का, और फिर आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, और कल के क्लास क्या हम लेंगे उसके बारे में आपको हम सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे जिससे हमें आपको बताने का सुख भी मिला और आपसे चर्चा हुई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।